दोस्तों टाटा स्टील में कई सारी पोजीशन पर कई सारे डिपार्टमेंट में काफी सारी वैकेंसी निकली है जी। दोस्तों अगर आपने आईटीआई का डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने बीटेक की है या बीई की है या फिर अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है, साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर है या अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं या अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फोर्थ ईयर में हैं, आप इंटर्नशिप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो टाटा आपके लिए लेकर के आया है कई सारी ऐसी भर्ती जहां पर आप एज इन फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट को काफी अच्छा पैकेज दिया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि टाटा में जो मेगा हायरिंग चल रही है ये कौन कौन सी पोस्ट पर हायरिंग चल रही है, कैसे आप इन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि स्टेप बाय स्टेप घर बैठे अपने फोन से, अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से आप इन वैकेंसी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस मैं हूं अंकिता और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल jobnow247.com पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आती हूं प्राइवेट सेक्टर की जानकारी, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अब आप हमसे डायरेक्ट मैसेज पर भी बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, तो अगर आप हमसे किसी तरीके की बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। गाइस बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे टाटा लोगों को हायर कर रहा है और कैसे आप इन वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं, आप सभी के सामने खुली हुई है टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट। गाइस ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी वैकेंसी आती है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इन वैकेंसी के बारे में प्रॉपर जानकारी जो है रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। और मैं भी अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पर टाटा या बड़ी बड़ी कंपनी या छोटी मोटी कंपनी में जो भी वैकेंसी दिखती है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो लेकर के आती रहती हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर चेकआउट कर लीजिए कि यहां पर देखिए दो जो है आपको चीजें दिख रही है, एक जो है कि जो करंट ओपनिंग्स आई है यहां पर वो होस्टेड है naukri.com पर या आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली भी जॉब देख सकते हैं, इंटर्नशिप देख सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि टाटा का जो हायरिंग पार्टनर है वो naukri.com है, तो जो भी वैकेंसी आती है ना वो ज्यादातर naukri.com पर मिलती है या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती ही मिलती है। तो आपको इसी लिंक से अप्लाई करना है क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो naukri.com पर टाटा के नाम से भी हायरिंग निकालते हैं, जब आप उनके पास इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, तो आपको सिर्फ इसी लिंक से अप्लाई करना है जो कि मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और किसी वैकेंसी में आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मे बी सही नहीं हो सकती है। तो आपको यहां पर क्लिक करना है, देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रही हूं, यहां पर आपको करंट ओपनिंग होस्टेड और नौकरी पर क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर चेकआउट कर सकेंगे, देख सकेंगे आपके सामने ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 34 पोस्ट पर 34 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स में यहां पर वैकेंसी निकली है। तो आप देख सकते हैं यहां पर अदर्स 10 वैकेंसी है, हेल्थ एंड केयर लाइफ साइंस में 6 वैकेंसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5 वैकेंसी है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में यहां पर 3 वैकेंसी है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में 3 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वैकेंसी है, फाइनेंस अकाउंट में भी वैकेंसी है, एचआर डिपार्टमेंट में, लीगल प्रोक्योरमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट में गाइस यहां पर कई सारी हायरिंग्स जो है यहां पर निकली हुई है। तो ये मेगा हायरिंग्स है टाटा स्टील में जो कि कुछ दिन पहले से ही यहां पर सारी की सारी जॉब वैकेंसी पोस्ट हुई है और अभी भी यहां पर हायरिंग जो है वो चल रही है। सबसे पहली वैकेंसी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप एज एन फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है या अभी आप इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर में हैं या अगर आपने आईटीआई का डिप्लोमा किया है तो आपके लिए यहां पर एज एन इंजीनियरिंग ट्रेनी की वैकेंसी है। इस वैकेंसी में सैलरी पैकेज डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि ये इंजीनियरिंग ट्रेनी की वैकेंसी है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपको जो है एज एन इंटर्न ही रखा जाएगा और काफी अच्छा पैकेज लगभग 18,000 से 20,000 का आपके को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपने किसी भी लाइन से, किसी भी फील्ड, किसी भी डिसिप्लिन से बीटेक इंजीनियरिंग की है या बीई की है या बीएससी इंजीनियरिंग की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग यहां पर 12 से भी ज्यादा डिसिप्लिन जो है वो दिए गए हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग सिविल से की है, केमिकल से की है, इलेक्ट्रिकल से की है, मिनरल से की है, माइनिंग से की है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, यहां पर देखिए
जो मिनिमम मैक्सिमम एज है ना वो 30 ईयर्स है। अगर आपकी एज 30 साल तक की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो 32 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको 18,000 सैलरी बताई थी, बट देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है लगभग 30,000 तक यहाँ पर जो है आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो यहाँ पर आपको जो 30,000 रुपए तक की सैलरी स्टाइपेंड जो है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी, दिया जाएगा। और साथ ही साथ हॉस्पिटल कवरेज भी दिया जाएगा 2.5 लाख रुपए पर एनम का। ओपीडी कवरेज दिया जाएगा 6,000 रुपए तक का। तो गाइस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक सो। अगर आप एज एन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने ITI की है, आपने BE BTech की है और आप अभी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक मैंने आपको दिया है, अप्लाई कैसे करना है ये वीडियो के अंत में बताऊंगी। इससे पहले हम और भी जॉब वैकेंसी जो कि नॉन टेक्निकल लाइन की है या फाइनेंस ग्राउंड की है वो भी हम देख लेते हैं गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ऊपर यहाँ पर है ना, आपको अपना सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि किस डिपार्टमेंट से आप हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की जॉब देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ही वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है और इन वैकेंसी में ही आप लीव करिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली टाटा की वेबसाइट से ही जो है होकर के आई है। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में गाइस एक वैकेंसी है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में गाइस एक वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये मैनेजर ट्रेड फाइनेंस की वैकेंसी है। बेसिकली इस वैकेंसी में CA ICWA पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है गाइज। यहाँ पर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या अगर आपके पास CA की डिग्री है, ICWA की डिग्री है और साथ ही में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। इसी तरीके की काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी में। ये शानदार मौका है यहां पर आपको, जब ट्रेनी की जो वैकेंसी है वहां पर 30,000 दिए जा रहे हैं, तो जो वैकेंसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि उन वैकेंसी के लिए कितना शानदार पैकेज जो है वो मिलने वाला है। तो गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन इन डिपार्टमेंट में पहले तो मैच कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि कोई भी वैकेंसी यहां पर होती है ना, ये वेरिफाइड नौकरी होती है। सिलेक्शन होना नहीं होना ये आपके हाथ में है। हमारा काम होता है कि हम आपको जो भी वेरिफाइड नौकरी है, 100% जेन्युइन नौकरी है ना, उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप ठीक से अप्लाई करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है, आपके पास हमेशा कॉल आता है। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं होती, रिक्रूटर को लगता है कि आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बने ही नहीं है, तो आपके पास कॉल भी नहीं आएगा, ना ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना है, अप्लाई करने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन को चेक करना है, कौन सी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है। एज एन फ्रेशर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो जरूर ध्यान में रखना है, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको पता ही है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए काफी सारे वैकेंसी रेगुलर बेसिस पर हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी अपडेट होती रहती हैं और यहां पर इस चैनल पर भी मैं लेकर के आती रहती हूं। तो पहले अपनी क्वालिफिकेशन मैच कीजिए, पहले अपना एक्सपीरियंस मैच करिए, उसके बाद आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर रिसर्च कॉस्टिंग कंपोजर सेलेक्शन इंचार्ज की भी वैकेंसी है जिसमें 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और ये ट्रेनी की वैकेंसी नहीं है, ये बेसिकली यहां पर एम्प्लॉय की वैकेंसी है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां चेकआउट कर सकते हैं कि HR डिपार्टमेंट में भी यहां पर वैकेंसी आई हुई है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन इससे मैच होती है, 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी यहां पर कई सारी माइनिंग फोरमैन, माइनिंग इंजीनियर, प्लांट हेड, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज गाइज यहाँ पर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आई है। तो अगर आप एज एन फ्रेशर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग की लाइन में काफी सारी वैकेंसी है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी ही प्रोफाइल में यहाँ पर निकली है। तो गाइज चेकआउट कीजिए, अगर आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करना भी मैं आपको बता देती हूँ। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से, बिना किसी साइबर कैफे पे गए, बिना किसी चार्जेस के इन वैकेंसी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिए, आप सभी के सामने खुली है टाटा स्टील की वेबसाइट। आप देख सकते हैं सेम इस तरीके से आपको मोबाइल फोन में ये वेबसाइट दिखेगी और कुछ इस तरीके से ये आपको लैपटॉप पे दिखेगी। यहाँ पर देखिए, जब आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल में भी और लैपटॉप पे भी, करंट ओपनिंग होस्टेड ऑन नौकरी, अप्लाई फॉर जॉब इंटर्नशिप। गाइज मैं आपको बता दूं कि
जो टाटा स्टील है ये अपनी नौकरी ऑलरेडी नौकरी डॉट कॉम पर होस्ट करता है रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि नौकरी डॉट कॉम बहुत पुराना है और इनके साथ काफ़ी सारी बड़ी कंपनियों का कोलेबरेशन है। तो ऑलरेडी जो है इन्होंने जो है नौकरी डॉट कॉम पर अपनी वैकेंसी जो है वो होस्ट कर रखी है। तो जब मैं टाटा स्टील की वेबसाइट पर जा करके जॉब वैकेंसी देख रही थी आप सभी के लिए, तो मुझे ये दिखाई दिया। तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए दोस्तों फ़ोन पर अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और लैपटॉप पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको यहां पर क्लिक करना है करंट ओपनिंग होस्टेड ऑन नौकरी। अप्लाई फॉर जॉब इंटर्नशिप वाला मेथड भी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम इजी मेथड जो है वो फॉलो करेंगे। आपको यहां पर क्लिक करना है और जब आप क्लिक करेंगे तो गाइस आप पहुंच जाएंगे नौकरी डॉट कॉम की वेबसाइट पर और आप देख सकेंगे कि यहां पर कितनी सारी ओपनिंग्स जो हैं आपकी निकली हुई हैं। एज इट इज आपको लैपटॉप पे दिखेगी और एज इट इज आपको मोबाइल फोन पे दिखेगी। मेगा हायरिंग्स जो चल रही है टाटा स्टील्स में उनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी यहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइज यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैं इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी पर क्लिक करती हूं। गाइज दोनों ही जगह सेम चीज आपको जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फोन से कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए या और भी वैकेंसी के लिए, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लैपटॉप से आपको इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो पहले फोन स्क्रीन पर चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं मेरी जो फोन स्क्रीन है वो आपके सामने खुली हुई है और इंजीनियर ट्रेनी की जो वैकेंसी है 1 ईयर का जो ड्यूरेशन है यहाँ पर ट्रेनी का वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और काफ़ी सारी लोकेशंस पर है। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, सिविल स्ट्रक्चर केमिकल काफ़ी सारी पोजीशंस पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स काफ़ी सारी जो है लाइन्स में यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है। तो देखिए आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है गाइस। देखिए लैपटॉप से अप्लाई करना थोड़ा सा इस वेबसाइट पर ईजी है और कंपेरेटिवली टू फोन, लेकिन आप दोनों से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अप्लाई बटन का अप्लाई जो है बटन दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू कलर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे नौकरी डॉट कॉम की साइट पर अप्लाई लॉगिन पर। तो देखिए अगर आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड है नौकरी डॉट कॉम पर तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज पहले आपको यहाँ पर जो है अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नौकरी डॉट कॉम से ही अप्लाई करना होगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट से ही अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर अगर आपकी ऑलरेडी नौकरी डॉट कॉम पर प्रोफाइल है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर फॉर फ्री का जो बटन है वो क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल जो है पहले क्रिएट कीजिए। अगर मैं नौकरी डॉट कॉम की प्रोफाइल को बनाना सिखाऊंगी तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप पहले अपनी प्रोफाइल बनाइए या लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके रजिस्टर कीजिए और इस वैकेंसी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। इस तरीके से आप अपने फ़ोन से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ईजी इससे भी ज़्यादा ईजी तरीका है वो है इनकी वेबसाइट पर अप्लाई करने का। वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो अपने लैपटॉप से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जब आप इनकी वेबसाइट पर चेकआउट करेंगे, जो भी वैकेंसी मैंने यहाँ पर खोल रखी थी इंजीनियर प्रोफाइल की, तो आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आपको करना क्या है, अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट पर डायरेक्टली क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना फ्रेंड्स तो डायरेक्टली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जी हाँ आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ इतना सा फॉर्म जो है वो आपको भरना है जिसमें आपको अपनी जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है जिसमें नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, कम्युनिटी, करंट लोकेशन, एजुकेशन एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, डेट ऑफ बर्थ और रिज्यूमे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपलोड करना है और अप्लाई करना है। यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पर दूसरी कोई अगर ईमेल आईडी है तो वो डाल दीजिए, यहाँ अपना जेंडर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कम्युनिटी डाल दीजिए कि आप जनरल ओबीसी या एसटीएससी में आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, करंट लोकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए, एजुकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और यहाँ पर सिंपल तरीके से आप अप्लाई कर दीजिए। तो गाइज आप इन वैकेंसी में घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत ही आसान है, किसी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी फोन से नौकरी डॉट कॉम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या अपने डेस्कटॉप से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों ही तरीके से आप अप्लाई
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करें और अपनी पहले तो जो है क्वालिफिकेशन को चेक करें कि किस वैकेंसी के लिए आप सूटेबल कैंडिडेट हैं, देन उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें। सो गाइस, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और मैंने आपको सारी जानकारी दी, इवन ये भी बताया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करें फ्रेंड्स और यहाँ पर अप्लाई करें। साथ ही में दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए, डायरेक्ट मैसेज आप हमें टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और धमाकेदार जॉब वैकेंसी के साथ या फिर कोई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।